सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक हिंदी यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक हिंदी में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सबसे मशहूर बांध भाखड़ा नांगल बांध की। भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इस बांध से जहां 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले खेतों की सिंचाई भी की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको भाखड़ा नांगल बांध से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर ये टूट गया तो कितनी तबाही मच सकती है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और ये 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में ये पूरी तरह काम करने लगा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को इस बांध का उद्घाटन किया था और इसे देश का नया मंदिर बताया था। भाखड़ा और नांगल बांध असल में दो अलग अलग बांध हैं, पर एक ही परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बने हुए हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर बनाया गया है और नांगल बांध इससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पंजाब के नांगल में बनाया गया है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से ऊंचाई पर बना है और इसका सारा पानी नांगल बांध से होते हुए ही जाता है। नांगल बांध भाखड़ा बांध से आने वाले तेज बहाव को कम करता है। अगर किसी कारण भाखड़ा बांध को कोई नुकसान पहुँच जाए तो नांगल बांध पानी के भंडार को रोक सकता है और किसी भी नुकसान से बचा सकता है। भाखड़ा बांध 226 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवार की लंबाई 520 मीटर और दीवार की मोटाई 9.1 मीटर है। ये टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इस बांध को बनाने में उस समय 245 करोड़ और 28 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके इर्द गिर्द इतना कंक्रीट लगा था कि संसार की सभी सड़कों को दोबारा बनाया जा सकता है। भाखड़ा बांध जिस झील के पानी को रोक कर रखता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। ये नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। ये झील 168.35 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर इकट्ठा होता है। इस झील को बनाने के लिए 341 गांव के लोगों को विस्थापित किया गया था। भाखड़ा बांध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर द्वारा भाखड़ा बांध का पानी पहुंचाया जाता है। भाखड़ा बांध बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कई सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, पर साल 2009 में सुरक्षा कारणों के चलते इस डैम पर आम लोगों के घूमने पर रोक लगा दी गई थी। वैसे तो दोनों बांधों को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये कभी नहीं टूट सकते, और अगर एक बांध किसी कारण टूट भी जाए तो दूसरा बांध नुकसान से बचा सकता है, पर अगर दोनों बांध टूट जाएं तो भयंकर तबाही मच सकती है। दोनों बांधों के टूट जाने से हरियाणा पंजाब के कई निचले इलाकों में पानी भर सकता है। अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो यह आधे पंजाब और हरियाणा समेत पाकिस्तान के बड़े हिस्से को भी बहा देगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके सिवाय बिजली की जो किल्लत होगी वो अलग, सालों तक प्रभावित भूमि पर खेती नहीं की जा सकेगी। ऐसे विनाश के बारे में सोचने से ही डर लगता है, इसलिए हम तो यही दुआ करेंगे कि ऐसी स्थिति कभी भी ना आए। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।